नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सबको बीएन क्लास में। तो ये है दूसरा पार्ट जिसमें हम सैंपल पेपर को डिस्कस कर रहे थे, दूसरा पार्ट का इसमें हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपको यहाँ पे दिख रहा है। इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर देर आर टू कॉयल्स वुंड ऑन ए नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर रोड। इनिशियली द की इज नॉट इंसर्टेड इन द सर्किट, लेटर द की इज इंसर्टेड एंड देन रिमूव शॉर्टली। सो यहाँ पे दो कॉयल दिखा रहा है, कॉयल नंबर 1 और कॉयल नंबर 2। सो आपको क्या बोला है, पहले इनिशियली क्या होगा, इसका जो की है इंसर्टेड नहीं है, बाद में की इंसर्ट किया जाता है फिर रिमूव किया जाता है। सो आपको लिखना है व्हाट आर द टू ऑब्जर्वेशन। तो इस प्रोसेस में आपको दो ऑब्जर्वेशन क्या दिखेगा गैल्वेनोमीटर के रीडिंग में, उसको आपको बताना है। ठीक है, दो ऑब्जर्वेशन। सो फिर से एक बार बताता हूँ, यहाँ पे दो इस तरह से डिजाइनिंग किया गया है, अरेंजमेंट किया गया है, दो कॉयल है, कॉयल 1 एंड कॉयल 2। सो यहाँ पे कॉयल 1 में कनेक्ट किया है बैटरी के साथ में, सेल को कनेक्ट करके रखा हुआ है, और पहले क्या है जो की जो है इंसर्ट नहीं किया गया है, मतलब स्विच जो है ओपन है, उसके बाद की इंसर्ट किया जाता है फिर रिमूव किया जाता है। तो आपको उस बीच में ऑब्जर्वेशन लिखना है एंड इट कंटेन 1 मार्क्स, एक नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, सो इफ करेंट इज पास थ्रू द फर्स्ट कॉयल, अगर फर्स्ट कॉयल से करंट पास होता है तो क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगा, द गैल्वेनोमीटर नीडल शो ए डिफ्लेक्शन इन सेकेंड कॉयल। तो इसमें डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर उसमें डिफ्लेक्शन आपको दिखेगा। ठीक है, कॉयल में। देन इफ द करंट इज डिसकनेक्ट, फिर क्या किया गया है, यहाँ पे रिमूव किया गया करंट को, क्या किया, देन रिमूव शॉर्टली। सो इफ द करंट इज डिसकनेक्ट द नीडल्स मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये दो ऑब्जर्वेशन आपको लिखना है, ये पहला ऑब्जर्वेशन, ये दूसरा ऑब्जर्वेशन। जब करंट गैल्वेनोमीटर द गैल्वेनोमीटर नीडल्स शो ए डिफ्लेक्शन इन द सेकंड कॉयल, सेकंड कॉयल में गैल्वेनोमीटर का नीडल डिफ्लेक्शन शो करेगा, और दूसरा क्या है, डिसकनेक्ट कर देने से वो नीडल जो है अपोजिट डायरेक्शन में मूव्स करेगा। तो ये दो ऑब्जर्वेशन आपको लिखना है। ठीक है, इसका सो 1 मार्क्स है इसमें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है, ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अराउंड ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में आपको मैग्नेटिक फील्ड को ड्रॉ करना है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। तो यहाँ पे देखिए, आप इस तरह से दो तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो, इस तरह से कैसे भी और इस तरीके से भी आप ड्रॉ कर सकते हो। तो पहला वाला में ये स्ट्रेट कंडक्टर है, और जिसमें ये जो एरो दिख रहा है, एरो जो है आपका करंट का डायरेक्शन है। अगर करंट का डायरेक्शन है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरह का होगा, इस टाइप से गोल होगा। ठीक है, ये करंट का डायरेक्शन है। उस तरह से अगर करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन जो है इस टाइप से आपको होगा, ये इधर जा रहा है। देखिए, इसका एरो इस साइड में है और इसका एरो इस साइड में। सो ये जो आपको एरो किस साइड में होगा, ये देगा राइट हैंड थंब रूल, आपको बताता है राइट हैंड थंब रूल। आपने अच्छे से सीखा होगा तो आप पता कर लेंगे कि इसके हिसाब से करंट का डायरेक्शन किधर होगा। ठीक है ना, सो यहाँ से आप पता कर लेंगे। तो इस टाइप का डायग्राम आपको ड्रॉ करना पड़ेगा स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए। देन इसमें भी एक नंबर था, आपको एक नंबर का क्वेश्चन है। फिर दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 को, टू अनइक्वल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। दो अनइक्वल रेजिस्टेंस है जिसको पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। इफ़ यू आर नॉट प्रोवाइडेड विथ एनी पैरामीटर्स, तो आपको कुछ वैल्यू भी नहीं दिया गया है, आई का वैल्यू नहीं दिया गया, आर का वैल्यू नहीं दिया गया है, बस आपको बोला है रेजिस्टेंस जो है पैरेलल में कनेक्टेड है। व्हाट कैन बी सेड अबाउट द वोल्टेज ड्रॉप्स, वोल्टेज ड्रॉप्स के बारे में आप क्या बता सकेंगे टू रेजिस्टर के बीच में। और उसके बाद और में है, ऊपर वाला करिए या फिर नीचे वाला कर देना होता है एग्जाम में। सम वर्क इज डन टू मूव ए चार्ज क्यू फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट ए इन स्पेस, द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए इज गिवेन एज वी, व्हाट इज द वर्क डन टू मूव दिस चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी इन टर्म्स ऑफ क्यू एंड वी। सो आपको यहाँ पे वर्क डन के बारे में बताना है। ठीक है, सो पहले देखते हैं, जब कोई भी रेजिस्टेंस जो होता है पैरेलल में कनेक्टेड होता है तो जब आपका जो वोल्टेज ड्रॉप होगा हमेशा सेम रहेगा। पैरेलल कनेक्शन में जो वोल्टेज होता है भी होता है हमेशा सेम रहता है। इसको कैसे लिखेंगे आप लोग, कैसे लिखेंगे, इन पैरेलल कनेक्शन All the elements are connected between the same two points, hence the voltage drops across any number of resistors or any other elements connected in parallel is same. तो क्या होता है, parallel connection में हमेशा voltage same रहता है, वो याद रखना है। Okay? Parallel connection में क्या होता है, voltage same रहता है, ये याद रखना है। और series connection में voltage अलग अलग होता है, ये याद। फिर दूसरा में क्या बोला है, work done के लिए आपको क्या formula लिखना है, आप इनडायरेक्टली क्या है, व्हाट इज द वर्क डन टू मूव दिस, मूव वर्क डन आपको क्या होगा, क्यू चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह ले गया है। सो आप लिखेंगे, हमको पता है वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, वी इक्वल टू क्या है, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। ठीक है, अब ये क्या है, वी मतलब वोल्टेज और क्यू मतलब डब्ल्यू मतलब वर्क डन और क्यू मतलब चार्ज। सो हमको डब्ल्यू निकालना है, डब्ल्यू इक्वल टू
डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा, वी इंटू क्यू। तो ए वाला ऑप्शन आपको लिखना है, ठीक है। आपका आंसर क्या होगा सेकेंड वाला क्वेश्चन का, ए वाला आप लिखेंगे, ठीक है। वर्क डन, डब्ल्यू इक्वल टू वी इंटू क्यू, सो वन मार्क्स क्वेश्चन है। या फिर आप ऊपर वाला करिए या फिर नीचे वाला करिए, दोनों का आंसर मैंने बता दिया। नेक्स्ट को देखते हैं, वेन्स आर थिन वॉल एंड हैव बल्ब्स जस्टिफाई। वेन्स का क्या होता है, थिन वॉल होता है और उसमें बल्ब्स होता है, क्यों होता है आपको बताना है। वन मार्क्स है इसको भी, एक लाइन में आपको आंसर बताना है। वेन्स क्या करता है, हमारे शरीर के अलग अलग जगह से ब्लड को लेके आता है, अलग अलग जगह से ब्लड को लेके आता है, और जो बल्ब्स होने का कारण क्या होता है, बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए, मतलब जो इधर से ब्लड आ रहा है तो उसको फिर बैक नहीं दे आने देगा, इसके लिए बल्ब होते हैं। और थिन वॉल क्यों होता है, क्योंकि अलग अलग पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करता है तो वहाँ पर ब्लड का पंपिंग नहीं होता है, ब्लड का पंप होने से थिक वॉल होना चाहिए, और यहाँ पे थिन वॉल बताया गया है जहाँ पे ब्लड का पंपिंग नहीं होगा। तो यहाँ पे आप आंसर इस टाइप से लिखेंगे, द वेन्स कैरी ब्लड फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द आर्टरीज एंड ऑर्गन डज नॉट पंप द ब्लड एंड हैंस। देखिए ये मेन इंपॉर्टेंट है, ब्लड को पंप नहीं करता है, पंप नहीं करने से क्या होगा, उसको प्रेशर ज़्यादा नहीं होगा, वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा नहीं होगा तो थिक वॉल की जरूरत नहीं है, थिन वॉल होने से काम चल जाएगा। एंड देयर फोर द वेन्स आर थिन वॉल। तो दूसरा क्या है, और एक चीज़ यहाँ पे छूट गया, बल्ब होने का कारण क्या है, इट प्रिवेंट द बैक फ्लो। आप यहाँ पे क्या ऐड कर दोगे, इट प्रिवेंट द बैक फ्लो, इस तरह लिख देंगे, ठीक है, बैक फ्लो को प्रिवेंट करेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एडोप्टेड फॉर परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे वो परफॉर्म करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, या फिर आउट ऑफ गॉड एंड ए टाइगर विच वन विल हैव द लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन। सो आपको टाइगर, गॉट और टाइगर दिया है, आपको बताना है किसका इंटेस्टाइन जो है लॉन्गर होता है, ओके, कौन सा इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो देखते हैं एक एक क्वेश्चन का वॉल। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल में, उसके अंदर में क्या होता है, छोटे छोटे भिली लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कॉल भिली होते हैं। भिली होने के कारण क्या करता है वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। और भिली, और एक होता है भिली क्या होता है, लार्जली सप्लाई विद द ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के साथ में सप्लाई होते हैं, जिसके कारण जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है वो इजी हो जाता है। तो कैसे लिखेंगे इसको, स्मॉल इंटेस्टाइन इज वेरी लॉन्ग हैविंग भिली एंड माइक्रोविली डेट इंक्रीज द सर्फेस एरिया। पहला क्या होता है, सर्फेस एरिया को इंक्रीज करेगा, और दूसरा क्या है, लार्जली सप्लाई विद ब्लड वेसल्स, और ये जो भिली जो होते हैं लार्जली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स होते हैं, इसके कारण भी क्या होता है, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस जो है इजी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, आउट ऑफ गॉड, ये पहला वाला क्वेश्चन मैंने बताया। और वाला, अगर आप और वाला लिखना चाहते हैं तो आउट ऑफ गॉड एंड टाइगर। गॉड का जो इंटेस्टाइन जो होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, लंबा होता है, क्यों, क्योंकि गॉड जो होता है ग्रासेस को खाता है, और ग्रास में क्या होता है, सेलुलोज होता है, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए ज़्यादा समय लगता है। और टाइगर सब क्या होता है, मीट खाते हैं, मीट को डाइजेस्ट करने के लिए इतना टाइम नहीं लगता है, लेकिन सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए क्या होता है, क्योंकि ग्रासेस में सेलुलोज होते हैं, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए लंबा समय लगता है या लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। तो इसको कैसे आंसर लिखेंगे, आउट ऑफ गॉड एंड टाइगर द गॉड विल हैव लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन। पहला चीज क्या है, गॉड का जो है लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। गॉड इन कॉमन आर हर्बीवोर्स, ये क्या है, हर्बीवोर्स है, घास खाने वाला जानवर है, एंड मेनली कंज्यूम द स्पेसिफिक प्लांट्स, तो कुछ प्लांट्स को खाता है, प्लांट्स कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज, प्लांट्स में क्या होता है, सेलुलोज होता है, दैट नीड्स डाइजेशन फॉर द मोर एक्सटेंशन पीरियड ऑफ टाइम। सो ज़्यादा समय लगता है उसको डाइजेशन होने के लिए। सो स्मॉल इंटेस्टाइन लंबा होने से क्या होगा, वो ज़्यादा समय ले सकता है डाइजेशन के लिए, तो इस पॉइंट को आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। आशा करता हूँ पॉइंट समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ ओजन बींग ए डेडली पॉइजन कैन स्टिल परफॉर्म एन एसेंशियल फंक्शन फॉर आवर एनवायरमेंट। देखिए जो ओजन जो होता है, डेडली पॉइजन्स होते हैं, ओजन जो गैस होता है O3 जो होता है डेडली पॉइजन्स गैस है, फिर भी हमारे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है, आपको बताना है कैसे, ठीक है। गिव रीजन्स व्हाई फूड चेन्स कैन नॉट हैव मोर देन 4 ट्रॉफिक लेवल। एक फूड चेन में 4 से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल नहीं होता है। तो ऊपर वाला लिखे या दूसरा वाला लिखे, एक ही बात है, आपको एक ही क्वेश्चन को अटेंड करना है। सो यहाँ पे वन मार्क्स क्वेश्चन है। तो पहला वाला को देखते हैं, ओजन्स क्या होता है, पॉइजनस गैस होता है। हाउएवर एट द हायर लेवल ऑफ एटमोस्फियर, हायर लेवल ऑफ एटमोस्फियर मतलब कौन सा, स्ट्रेटोस्फियर में, कहाँ पे, स्ट्रेटोस्फियर में ओजन पाया जाता है। एंड इट सील सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। क्या करता है ये, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो सोलर सन से निकल के आता है उसको प्रिवेंट करता है। अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को प्रिवेंट नहीं करता तो अलग अलग टाइप का स्किन डिजीज हो सकता है, जो अर्थ में एनिमल सब है, अलग अलग का स्किन डिजीज हो सकता है। सो ये क्या करता है, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को सील्ड करता है, मतलब अर्थ का एटमोस्फेयर में आने नहीं देता है। फिर दूसरा क्या है, 4 ट्रॉफिक लेवल से ज़्यादा नहीं होता है, बोला क्यों नहीं होता है,
जैसे कि हम जानते हैं एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरा ट्रॉफिक लेवल में जब जाते हैं, ओके, फूड चेन्स आर लिमिटेड टू 4 ट्रॉफिक लेवल्स बिकॉज एनर्जी लॉसेस बिटवीन द ट्रॉफिक लेवल रेस्ट्रिक्ट द लेंथ ऑफ द फूड चेन्स। तो देखिए, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरा ट्रॉफिक लेवल में जब जाते हैं, एक से दूसरा में जब जाते हैं, तो क्या होता है, एनर्जी लॉस होता है, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो एनर्जी लॉस होता है। तो ज़्यादा ज़्यादा लंबा अगर चेन है, ट्रॉफिक लेवल ज़्यादा लंबा है, तो क्या होगा, लास्ट वाला जो हायर ट्रॉफिक लेवल में क्या होगा, एनर्जी का जो अमाउंट है बहुत कम हो जाएगा, इसलिए इट रेस्ट्रिक्ट अप टू द 4 ट्रॉफिक लेवल। आपको यही पॉइंट लिखना है, बिकॉज एनर्जी लॉसेस बिटवीन द ट्रॉफिक लेवल रेस्ट्रिक्ट द लेंथ ऑफ द फूड चेन, क्योंकि इसी के कारण वो रेस्ट्रिक्ट करता है, फूड चेन को ज्यादा लंबा नहीं होने देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, स्टेट द रोल ऑफ पैंक्रियास इन डाइजेशन ऑफ फूड। जो पैंक्रियास होता है उसका डाइजेशन ऑफ फूड में क्या रोल होता है, इसका भी एक मार्क्स है, आपको एक नंबर होगा तो उसी टाइप का आंसर लिखेंगे। अब इसका आंसर देखते हैं, ड्यूरिंग द डाइजेशन पेंक्रियस मेक पेंक्रेटिक जूस। तो पहला चीज क्या निकलता है, पेंक्रेटिक जूस, जिसको हम इंजाइम्स बोल रहे हैं, पेंक्रेटिक इंजाइम्स बोलेंगे, क्या इंजाइम्स बोलेंगे, पेंक्रेटिक इंजाइम्स। दिस इंजाइम्स ब्रेक डाउन शुगर फैट्स प्रोटीन एंड स्टार्चेस, ओके। सो ये सारा चीज को ब्रेक डाउन करने के लिए हेल्प करता है। तो पेंक्रेटिक जूस का बहुत बड़ा क्या रोल है, किसमें, डाइजेशन ऑफ द फूड में, ठीक है। दोस्तों ये सारा क्वेश्चन एक मार्क का क्वेश्चन था, और एक मार्क का क्वेश्चन में आप उसी तरह से आंसर लिखेंगे, और इसके बाद वाला जो क्वेश्चन होगा रीजनिंग वाला जो, और ऑप्शनल क्वेश्चंस होंगे, उसको मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वाला वीडियो में। आशा करता हूं ये वाला पार्ट आपको समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।